ତା ଭିତରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଡକ୍ଟର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଡୋଗରା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଆଇ କେ ବାରେ ମେ ହମ ଲୋକ ବାତ କର ରହେ ହେଁ, କିସ ତରହ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କା ୟୁଜ କର ରହେ ହେଁ, ଲେକିନ ଅଗର ଓଡ଼ିଶା କା ବାତ ହମ ଲୋକ କରେଙ୍ଗେ, କ୍ୟୁକି ଆପ ବି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ଜୁଡ଼େ ହୁଏ ହୋ, ତ ଇସକା କିତନା ଇସ୍ତେମାଲ ହୋ ରହା ହେ, କ୍ୟୁକି ହମ ଲୋକ ଆପସେ ସୁନ ରହେ ଜୋ କି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେ ଇସମେ, ଲେକିନ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କେସା ହୋ ରହା ହେ ଏଆଇ କୋ ଲେକର, ଅଗର ରୁରାଲ ଏରିଆ କେ ବାରେ ମେ ବୋଲେ ହମ ଲୋକ। देखिए, एक इम्प्लीमेंटेशन तो मैं खुद किया हूँ, और कोविड के टाइम में गवर्नमेंट एक्चुअली क्रिएटेड अ कमिटी, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट कमिटी टू अंडरस्टैंड कि ये जब माइग्रेंट्स पीपल व्हेन दे एक्चुअली केम बैक टू ओडिशा मेनली फ्रॉम गुजरात महाराष्ट्र बैंगलोर एंड अ फ्यू अदर स्टेट्स दे केम बैक टू गंजम देन कटक देन खुर्दा मेनली सिक्स डिस्ट्रिक्ट में हमने स्टडी किया था। तो ये जो हमने एक मेथड मैथमेटिकल मेथड वी हैव डेवलप्ड इट जिसके हिसाब से वी आर टेलिंग देम के बेसिकली इतने लोग अगर ट्रेन में बिकॉज दे आर गिविंग अस डेटा ऑन एवरी डेली बेसिस तो उसके लेके हमने एनालिसिस किया था कि आपको इनमें से कितने लोगों को टीएमसी में टेम्पोरली मेडिकल सेंटर्स जो है एक्चुअली दे सेटअप दोज टेम्पोरली मेडिकल सेंटर्स इनटू डिस्ट्रिक्ट्स तो कितने लोगों को रखना चाहिए और कितने दिन रखना चाहिए क्योंकि इसमें ये सोशल इशू भी आ जाता है कि मतलब लोगों का अगर ज्यादा दिन आप एक कन्फाइनमेंट एरिया में रखेंगे तो उसका एडवर्स हेल्थ इफेक्ट भी आएगा तो दैट एक्चुअली वर्क्ड। अब दूसरी बात है व्हाट सैर इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रोबोटिक सर्जरी दिस इज इन ओडिशा में प्रोबेबली इट विल टेक टाइम व्हेन यू विल अज्यूम दैट अ पेशेंट विल कंप्लीटली बिलीव ऑन अ रोबोट रादर देन अ सर्जन। ओके, द रीजन इज दैट दिस एआई हैज जस्ट कम। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, आई थिंक द मैच्योरिटी ऑफ एआई विल कम और इनका इनका एप्लीकेशन हर डोमेन पे होगा। ठीक है, मैं एक और एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी लोग क्या करते हैं, ये चैट जीपीटी बहुत आ गया है, सब लोग यूज कर रहे हैं। अब देखिए चैट जीपीटी का एक्यूरेटली कितना अच्छे से वो लिखते हैं, तो जैसे ही इतने अच्छे से ये लोग रोबोटिक हैंड को भी मैनिपुलेट कर पाएगा ना, देन प्रोबेबली व्हाट सर इज ऑल्सो सेइंग दैट कुछ कुछ जगह पे वेरी डिफिकल्ट होता है सर्जन का ऐसे हैंड मूवमेंट, तो वो आ जाएगा। इट विल टेक टाइम। If you go back, Alan Turing said that we call it at Alan Turing is known as the father of modern computing. He said that the day a computer mimics a human being, we don't call it an artificial intelligence. It's natural intelligence. So natural intelligence aayega and aa raha hai. Text mein already aa gaya hai. Ye robotics mein aur baaki sare fields mein bhi aayega. Ab Odisha specific agar bolenge, hum ओडिशा में ही बिकॉज आईआईटी भुवनेश्वर एंड एम्स बोथ आर इन ओडिशा। ठीक है, तो हम दोनों इंस्टीट्यूट्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो वी आर कोलाबोरेटिंग ऑन मेनी प्रोजेक्ट्स। मेनली आवर ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट जो भी टेक्नोलॉजी आ रहा है वो टेक्नोलॉजी हाउ इट कैन रीच टू द रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ दिस स्टेट और ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो उसके लिए मान लीजिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है, उसके लिए प्रेडिक्शन भी हो सकता है। जैसे हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं कि मस्क्यूटो बोर्न जो डिजीज होता है ना, दैट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द मस्क्यूटोज, यू ऑल्सो नीड टू ट्रैक द वाटर बॉडीज। ठीक है, जो सैटेलाइट इमेज से अगर छोटे छोटे वाटर बॉडीज जो है उनका अगर आपको सही ढंग से ट्रैक कर पाएंगे, देन प्रोबेबली यू विल बी एबल टू टेल दैट मान लीजिए आज से 2 महीना के बाद वॉट आर द प्रोबेबल वेक्टर बोर्न डिजीजेज विल बी देयर अराउंड दिस प्लेस। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये तो आ रहा है, I can't say that when it will come, but probably with more collaborations with state governments, because I am actively involved, things will come and probably the rural people of Odisha will get the benefit of the AI and AI assisted medical technology. I will not say that AI completely AI is replacing the medical technology. It is AI assisted medical technology will come. जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।